आज मैं आपके लिए दिल्ली की मशहूर आलू की चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है और बिल्कुल एकदम मार्केट जैसी बनती है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली की मशहूर आलू चाट बनाने के लिए पहले हम आलू ले लेंगे, और ये जो आलू मैंने लिए हैं ये बॉईल किए हुए आलू हैं। तो आलू को जब आप बॉईल करेंगे तो आप हाई फ्लेम पे सिर्फ एक सीटी आने तक आलू को बॉईल करके तैयार करेंगे, और आलू जैसे ही ठंडे हो जाते हैं तो इनको हम छील लेते हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बॉईल किया हुआ आलू है, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं है। तो सारे जो आलू लिए हैं उनको हम पहले छील के तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही आलू छिल जाते हैं उसके बाद हमें इनको इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट करना है। पीस बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, वरना चाट अच्छी नहीं बनेगी। पीस को बड़ा बड़ा ही काटेंगे। चाट के लिए सारे आलू मैंने काट के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में काफ़ी सारा ऑयल लेना है, और ऑयल जब एक बार गर्म हो जाता है तब आप गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखें, और उसके बाद जो आलू काट के तैयार किए हैं उन्हें कढ़ाई में डाल दीजिए। तो एक बार जब आप कढ़ाई में आलू डाल देंगे तो लगभग 2 मिनट के लिए उनको वैसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा और फ्राई करना है। तो आलू जब हम पहले स्टेप में फ्राई करेंगे तो बहुत देर तक इनको फ्राई नहीं करना है, 2 से 3 मिनट तक ही आलू को फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद आलूओं को आप इस तरीके से पलटते हुए लगभग 1 मिनट के लिए और फ्राई करिएगा। तो इस तरीके से जब आप फ्राई करेंगे तो आलू के ऊपर एक बहुत ही पतली सी लेयर आ जाती है, और बस उसके बाद ही आलू को निकाल लेंगे। बहुत देर तक फ्राई आलू को नहीं करना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही हल्की सी लेयर आलू पे आई है और आलू ये अभी फ्राई होके तैयार है। तो चलिए सारे जो आलू हैं उन्हें कढ़ाई में से पहले निकाल लेंगे, और उसके बाद सेकंड बैच के भी आलू रह गए हैं उनको भी मैं फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। तो सेकंड बैच के भी आलू फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं कढ़ाई में से निकाल लेती हूँ। तो सारे जो आलू फ्राई किए हैं उन पे देखिए इस तरीके से पतली सी लेयर हो जाती है। तो चलिए आलूओं को रख देंगे और उनको अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब तक आलू ठंडे होते हैं तब तक हम चाट के लिए बहुत ही टेस्टी मसाला बना लेंगे। 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। सारे मसाले मिक्स कर लेंगे, चाट के लिए मसाला तैयार है। तो जो आलू हमने ठंडे होने के लिए रखे थे अब वो एकदम ठंडे हो चुके हैं, अब हमें उनको फिर से एक बार फ्राई करना है। तो ऑयल को मैंने गर्म कर दिया है और सारे जो आलू हैं वो हम ऑयल में फिर से डाल देंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे। तो पहले जब हम इनको ऑयल में डालेंगे तब लगभग 3 मिनट के लिए हम इनको इसी तरीके से ऑयल में पड़ा रहने देंगे। तो सारे आलू जो हैं पहले हम ऑयल में डाल देते हैं, और अब हम इनको इसी तरीके से मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। लगभग 3 मिनट के बाद पलट पलट के आप 3 मिनट के लिए इनको और फ्राई करिएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे रहने से इनके ऊपर बहुत ही बढ़िया एक क्रिस्पी लेयर भी आ जाती है, साथ ही इनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो जब तक आलू अच्छे से आपको क्रिस्पी ना लगे तब तक आप उनको कढ़ाई में से बिल्कुल ना निकालें। उनका कलर भी हल्का सा चेंज जरूर हो जाना चाहिए, एक हल्की सी ब्राउन कलर की लेयर उनके ऊपर आने लगती है। और ये देखिए अब देखने में आपको लग ही रहा है कि कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो चलिए आलूओं को बाहर निकाल लेते हैं। तो टोटल लगभग मैंने 6 से 7 मिनट के लिए इनको फिर से फ्राई किया था, और सारे जो आलू हैं वो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने बढ़िया इन पर कलर आ गया है। तो चलिए इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो सारे आलू फ्राई करके तैयार कर लिए हैं मैंने, और अब ये थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं। तो जो मसाला बना के चाट का तैयार किया था वो हम उनके ऊपर डाल देंगे। तो आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो जो मसाला डाला है आलू के ऊपर वो हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए अब हम चाट को सर्व कर लेते हैं। तो एक प्लेट में आप आलू रख लीजिए, जितनी आपको चाट बनानी है उसी हिसाब से आप आलू प्लेट में निकाल लीजिए। और अब हम सबसे पहले उसके ऊपर फिटा हुआ
दही डालेंगे। दही थोड़ा सा पतला होना चाहिए, साथ ही थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए। तो जितनी आपको ज़रूरत लगे आप अपनी पसंद के अनुसार दही डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे हरे धनिया की चटनी ली है। चटनी थोड़ी सी तीखी होती है तो आप उसे भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी कम ही डाल रही हूँ। और उसके बाद इमली की खट्टी मीठी चटनी तो ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट ही सबसे अच्छा आता है इस चाट में। और हरे धनिया की चटनी और इमली की चटनी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने अनार और कुछ कटा हुआ प्याज भी ले लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसे सर्विंग के दौरान डाल सकते हैं। तो बस डालने के बाद ये देखिए हमारी दिल्ली की मशहूर आलू की चाट बनके तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।